हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल और सब बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विटेकर की पांच जगत पद्धति को देखेंगे और यह क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में आपके वर्गीकरण की जो पद्धति है उनसे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान का विकास, यानी टैक्सोनॉमी का जो विकास है वो कैसे हुआ था, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम आपको वर्गीकरण की जो पांच जगत प्रणाली है उसको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसके विकास की बात करें तो सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को दो समूहों में, या ये कह सकते हैं वनस्पति जगत व जंतु जगत में बाँटा था। किसने? अरस्तु ने। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को, जो एनिमल किंगडम है, उसको दो समूहों में बांटा था, वनस्पति जगत और जंतु जगत। यानी वनस्पति जगत में सभी वनस्पतियों को रख दिया था और जंतु जगत में सभी जंतुओं को रख दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट आया, एक वैज्ञानिक आया, कैरोलस लीनियस। इन्होंने सभी जीवधारियों को किस में बांट दिया बच्चों? पादप जगत और जंतु जगत में वर्गीकृत कर दिया। तो इनका यह एक ऑफिशियल कहें या लिखित प्रमाण मिलता है, इनकी एक पुस्तक थी द सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। तो कैरोलस लीनियस की बुक का नाम आपसे पूछा जाए नीट एग्जाम में क्या है, ऑप्शन दिए रहे होंगे उसमें विकल्प में या क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो आपको बताना है सिस्टेमा नेचुरी में इसका लिखित प्रमाण दिया गया है। यानी कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को पादप जगत और जंतु जगत में वर्गीकृत किया था, इसीलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन वर्गीकरण विज्ञान का जो प्राचीन थी उसका पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और अरस्तु ही किसका पिता है? जीव विज्ञान का पिता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान किसने ले लिया था? विटेकर ने, ठीक है। विटेकर द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी वो पांच जगत प्रणाली थी। विटेकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित पांच जगत में बांटा था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान विटेकर की पाँच जगत प्रणाली ने तो लिया ही था। इससे पहले द्विजगत का स्थान एक त्रिजगत पद्धति आई थी अर्नेस्ट हेकल की, उसने लिया था। और त्रिजगत पद्धति का स्थान लिया था कॉपलैंड की चार जगत प्रणाली का, और चार जगत प्रणाली का स्थान किसने लिया था? विटेकर की पांच जगत प्रणाली ने। तो ये आपको बीच की ओर मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्या दिया है आपसे कि 1969 में परंपरागत जो द्विजगत वर्गीकरण की जो प्रणाली आई थी उसका इनडायरेक्ट वे में स्थान किसने ले लिया? पांच जगत प्रणाली ने ले लिया, जो किसने दी थी? विटेकर ने दी थी बच्चों, ठीक है। अब जो त्रिजगत थी अर्नेस्ट हेकल की, उसमें उसने किस किस में बांटा था? तो एक तो था यही जंतु जगत और पादप जगत, क्लियर, और प्रोटिस्टा ये था, और चार जगत में मोनेरा और आ गया था, लेकिन फंजाइयों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो चार जगत इसलिए फेल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। अब विटेकर ने, अगर बात की जाए तो जो 1969 में विटेकर ने पांच जगत प्रणाली को दिया था, और यह पांच जगत प्रणाली चार जगत प्रणाली में जो कमियां रह गई थी उनके सुधार के लिए प्रस्तुत की गई थी। तो चार जगत प्रणाली में की अगर बात करें, जो कॉपलैंड की थी उसमें मोनेरा आता है, मोनेरा, सेकंड आपका प्रोटिस्टा, फिर एनिमालिया और प्लांट, ये थे इस प्रकार, ठीक है। अब पांच जगत प्रणाली के अनुसार हम फर्स्ट पढ़ते हैं मोनेरा जगत को। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव्स अर्थात बैक्टीरिया यानी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया आदि को रखा गया है। यानी मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे नीलहरित शैवाल, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, इनको शामिल किया गया है, क्लियर।
वहीं नेक्स्ट प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। क्लियर। पादप एवं जंतु के बीच की स्थित कड़ी युगलिना को भी किसमें शामिल किया गया है? प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया है। यानी सभी जो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव हैं वो किसमें रखे गए हैं? प्रोटिस्टा जगत में। और साथ ही पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी होता है युगलिना, युगलिना को भी प्रोटिस्टा में शामिल किया गया है। तो पूछा जाए युगलिना निम्नलिखित में से किसमें शामिल, तो ऑप्शन दिए रहे होंगे तो आपको सही टिक करना है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, पांच जगत प्रणाली में तीसरा जगत था कवक, ये स्पेशल। इसमें परजीवी व मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल रहे। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यानी जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? काइटिन की बनी होती है। तो कवकों के लिए एक स्पेशल जगत बना दिया गया जिससे किंगडम ऑफ फंगी या फंजाई कहते हैं, यानी कवक जगत। ठीक है। नेक्स्ट, पादप जगत। इस जगत में सभी शैवाल एवं बहुकोशिकीय जीवों को रख दिया, हरे पौधों को रख दिया। यानी जो पादप जगत है इसमें क्या रख किया था इन्होंने, विटेकर ने, सभी शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधों को स्थान दे दिया। वहीं जंतु जगत की अगर बात की जाए तो इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल थे। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है, यानी जंतु जगत को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम मेटाजोआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, 1982 में मार्गुलियस व स्वार्ज ने पांच जगत वर्गीकरण का पुनः रिक्षण किया, यानी रिवीजन किया, और इसमें एक प्रोकैरियोटिक और चार यूकैरियोटिक जगत अर्थात प्रोटिस्टा, कवक व पादप एवं जंतुओं को शामिल कर दिया। वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को ही सर्वाधिक मान्यता मिली। बाद में पांच जगत जो पद्धति थी उसका मार्गुलियस तथा स्वार्ज ने क्या किया, पुनः फिर से रिवीजन किया और इसमें इसने कुछ सुधार किए। ठीक है। तो मोनेरा जगत में अभी आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि सभी प्रोकैरियोटिक हैं। इसमें पुनः आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो में इनको बांट दिया। ठीक है। जिनमें आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं वह बहुत अधिक प्राचीन यानी पुराने जीव थे। नेक्स्ट, आर्ची बैक्टीरिया, इनमें अधिकांश स्वयंपोषी ऑटोट्रॉप, यानी आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और वे अपनी ऊर्जा चयापचय या उपापचय क्रियाओं, चयापचय नहीं, ये उपापचय क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा करते हैं। रासायनिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। इन गैसों की उपस्थिति में ये अपना स्वयं अमीनो अम्ल बना सकते हैं। इन्हें तीन वर्गों में बांटा है, मेथेनोजोन्स मीथेन का निर्माण करते हैं, और थर्मो एसिडोफिल्स अत्यधिक उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलन होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है। हेलोफिल्स या अत्यधिक लवणीय पर्यावरण में बढ़ने वाले होते हैं। फिर से सुनना, हेलोफिल्स कैसे होते हैं, अत्यधिक लवणीय पर्यावरण में बढ़ने वाले। थर्मो एसिडोफिल अत्यधिक उष्ण व अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलता बनाए रखते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, मेथेनोजेंस यानी मेथेन का निर्माण, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। वहीं दूसरी ओर बी दिया है यू बैक्टीरिया, इनमें प्राय झिल्ली से घरे केंद्रक या कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, इनमें प्राय झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक या ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉइड एकमात्र गुणसूत्र की तरह कार्य करता है, किन में कार्य करता है, यू बैक्टीरिया में। यह प्रकाश संश्लेषण व इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण या ट्रांसफर प्लाज्मा झिल्ली पर होता है। यानी जो यू बैक्टीरिया होते हैं या आज के आधुनिक बैक्टीरिया कहे जाते हैं, इनमें न्यूक्लियॉइड एकमात्र गुणसूत्र की तरह कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण व इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर हेतु इनमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जैसे एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय कवक आदि रखे गए हैं प्रोटिस्ट में। सेकंड क्या है, ये स्वयंपोषी होते हैं जैसे एक कोशिकीय कवक डायटम्स, ये कैसे हैं, स्वयंपोषी। पूछा जाए एक कोशिकीय कवक डायटम्स ये कैसे होते हैं, स्वयंपोषी, जबकि परपोषी जैसे प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम,
जो मलेरिया का जो लार्वा होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, वो परपोषीय है, जबकि प्रोटिस्ट में एक कोशिकीय कवक और डायटम्स ये क्या है, स्वयंपोषी है। स्वयंपोषी वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक कोशिकीय कवक क्लोरेला युगलिना ट्रिप्नोसोमा ये नींद की बीमारी का कारण बनते हैं। एक कोशिकीय कवक कौन कौन से, क्लोरेला युगलिना ट्रिप्नोसोमा या नींद की बीमारी उत्पन्न करते हैं। आपको याद रखना नींद की बीमारी कौन कौन, एक कोशिकीय कवक क्लोरेला युगलिना ट्रिप्नोसोमा या नींद की बीमारी का कारण है। प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामीशियम और क्लेमेडोमोनास आदि इसके उदाहरण हैं, किसके, प्रोटिस्ट जगत के। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कवक जगत, इसमें वे पौधे शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार नहीं करते, यानी कवक एक प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते या इसकी क्रिया के द्वारा यह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा यह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते कौन, कवक। नेक्स्ट ये हेटरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक यानी परपोषी और यूकैरियोट दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कुछ कवक पैरासाइट्स यानी परजीवी और जिस पौधे पर रहते हैं उसी से अपने लिए पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ कवक पैरासाइटिक होते हैं और वे जिस पौधे पर रहते हैं उसी से अपना भोजन या पोषक प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइटिक जो पौधे होते हैं वो कौन से हैं, जैसे कसकुटा, कसकुटा मतलब इसको कहते हैं अमरबेल, आपने देखी होगी ये पीली एक तार के जैसी बनी होती हैं। तो कुछ कवक कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम या डिकम्पोजर होते हैं, मृत पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम या डिकम्पोजर होते हैं और मृत पदार्थों से अपने पोषक या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, और पेनिसिलियम से ही जो एंटीबायोटिक्स से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इनमें भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है, यानी जो कवक होते हैं ये भोजन को किस रूप में स्टोर या संचित करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। कवकों के उदाहरण ईस्ट मशरूम दीमक आदि ये कवकों के एग्जाम्पल हैं। पादप जगत की बात करते हैं, इसमें सभी बहुकोशिकीय पौधे शामिल हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है, यानी ये इस प्रकार जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है और इसके चारों तरफ एक वाल और हो तो इसको क्या कहते हैं, सेल वाल इस प्रकार पाई जाती है। इनमें टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी हुई एक रिक्तिका या वैक्यूल भी पाई जाती है, किसमें, पौधों में। पौधों के लिए भोजन स्टार्च और लिपिड्स के रूप में स्टोर करते हैं, इनमें लवक प्लास्टिड उपस्थित रहते हैं, किसमें, पादप जगत के जो जितने भी पौधे होते हैं इनमें क्या शामिल रहते हैं, लवक या प्लास्टिड उपस्थित रहते हैं। स्वयंपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, सभी को पता है पौधे। पादपों की वृद्धि असीमित होती है, शाखाओं के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जंतु जगत, जंतुओं में भित्ति रहित यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी सेल वाल नहीं पाई जाती है। जंतुओं की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जे न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही जाती है। नेक्स्ट ये परपोषी होती हैं, होते हैं जंतु, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जंतुओं की वृद्धि सीमित होती है, जंतुओं में प्राय एक निश्चित आकार व रूप पाया जाता है। जंतु ज़्यादातर कैसे होते हैं, मोबाइल यानी चलते हैं। जंतुओं में कोशिका ऊतक, यानी जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर अंग एवं अंग प्रणाली का निर्माण करते हैं, और अंग प्रणाली बन के क्या बनाती है, एक शरीर या बॉडी या जिस जंतु का निर्माण कर देती है कोशिका इस प्रकार। तो विटेकर के अनुसार आपको बता दिया, 1969 में विटेकर ने पांच जगत प्रणाली को दिया था, इसमें उसने मोनेरा में इसको बांटा था, मोनेरा और फिर प्रोटिस्टा और फिर फंगी यानी कवक और फिर एनिमेलिया और प्लांटी में बांटा था। तो आज के इस वीडियो में आपको यह वर्गीकरण से संबंधित विटेकर की पांच जगत प्रणाली का वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करना। और हाँ, आप प्यारे बच्चे सभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, देखिए ये पीडीएफ बनाने में
बहुत टाइम लगता है और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप प्यारे बच्चे सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। खैर कोई नहीं, अपना काम है आप सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाना, और आपकी मर्जी है आप इसको सपोर्ट करें या ना करें, यह आपका अपना मन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।